हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन डिग्री इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए यहाँ पे जो हमें डिग्री दी हुई है, जो डिग्री है इसकी, वो फाइंड आउट करनी है। मतलब हमारा जो एक्स है वो हमें डिग्री में फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा डिग्री में मेंशन होते हैं। सेम यहाँ पे भी देखिए, हमें इसे भी डिग्री में फाइंड आउट करना है और यहाँ पे इसे भी डिग्री में फाइंड आउट करना है। अब डिग्री में तो फाइंड आउट करना है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमें एक्स फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनानी है और उसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है और कैंसिल आउट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसमें हमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे हमें जो एंगल ए और बी और सी है उसकी कुछ वैल्यू दी हुई है, और जो एक्स में है और जिसे हमें डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये तीनों को पहले प्लस करना है और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पहले से पता है कि एंगल के जो तीनों साइड होते हैं उनका प्लस क्या होता है, 180 डिग्री। तो उसी में हम इसे पुट करके सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमें पता है क्या होता है, 180 डिग्री। अब हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पहले से पता है। अब इसी के हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे हमें, इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है। तो x हमारा दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है x प्लस 30, यही लिख देंगे हम x प्लस 30। सेकंड एंगल B दिया हुआ है हमें x प्लस 15, इसे हमने लिख दिया यहाँ पे। और थर्ड हमें दिया हुआ है एंगल C एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पहले से ही पता है कि जो तीनों साइड्स हैं उनका टोटल हमें 180 डिग्री ही मिलना है। अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है और जो इक्वेशन बन रही है उसे सॉल्व कर लेना है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1, 2, 3 एक्स हैं। अगर हमने इन्हें ऐड कर दिया तो ये बन जाते हैं 3x। अब हमारे पास नंबर बच गया ये और ये, 13 और 50 सिर्फ 2 नंबर बचे हैं। अब हम इन्हें भी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 30 + 15 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पहले से ही पता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बच रहा है एक्स वाला ये नंबर, और फिर हमारे पास आ गया वही न्यूमरिकल। इसे एक साइड ले जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, भाई भाई हैं, भाई भाई को एक साइड और इधर बहन बहन को एक साइड। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड चेंज करना है, मीन्स वही करना है, साइड चेंज, सिंबल चेंज, ये हो गया आपका -45। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये है आपका 3x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका माइनस करने पे 10 - 5 5, यहाँ पे बचा 7 - 4 3 हो गया और ये 1 हो गया कि आपका आ गया 135 डिग्री। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को हमने फिर वही करना है, x यहाँ रह गया, ये आपका 135 डिग्री है। अब देखिए फिर वही चीज़, साइड चेंज, सिंबल चेंज, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो नीचे आके ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब हमें इसे कैंसिल करना है, कैंसिल करेंगे तो ये होगा आपका 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15। सो x इज इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री। अब हमें एंगल A और एंगल B निकाल लेना है। जो हमारा एंगल C है वो तो x ही है, तो एंगल्स A इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 30। तो हमारा x आया है, क्या आया है हमारा x 45 प्लस हमने कर दिया इसमें 30, तो ये हो गया आपका 4 + 3 = 7। तो आपका एंगल A आ गया 75 डिग्री। अब ऐसे ही हमें निकाल लेना है एंगल B।
एंगल बी दिया हुआ है हमें एक्स प्लस 15, ये हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी 45 प्लस 15 हमें पहले से दिया हुआ है, प्लस कर देंगे 5 5 0 और ये हो गया आपका 1 4 5 एंड 6, ये 60 डिग्री। अब देखिए आपका एंगल ए आ गया है 75 डिग्री और आपका एंगल बी आ गया है 60 डिग्री और आपका एंगल एक्स जो एक्स की वैल्यू है वही आपका एंगल सी है जो आया है 45 डिग्री। इस तरीके से हमने सारे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।